एक तरफ बेवफा एसडीएम ज्योति मुरिया की खुद के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के कारण छटपटा रही है, तो दूसरी तरफ मनीष दुबे के ऊपर लगे चरित्रहीनता के आरोप के कारण छटपटा रहा है। अब तक ज्योति मुरिया को अधिकारी होने का घमंड था, अब तक ज्योति मुरिया को एसडीएम होने का घमंड था, लेकिन अब दोस्तों ज्योति मुरिया के साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि उसका सारा का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार ज्योति मुरिया और मनीष दुबे के ऊपर अब किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। तो एक एक करके तमाम बातों का जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों, और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी सच का पर्दाफाश करते हैं और आपको हम बताते हैं आज के इस वीडियो में किस तरह से मनीष दुबे और ज्योति मुरिया को लेकर बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता होगा दोस्तों किस तरह से मनीष दुबे, जिसने ज्योति मुरिया के साथ अफेयर चलाया, चक्कर चलाया और इन दोनों के काले कारनामों का पर्दाफाश हो गया। अब दोस्तों पर्दाफाश होने के बाद मनीष दुबे को सबसे ज्यादा तकलीफ आलोक मुरिया से हुआ, क्योंकि मनीष दुबे नहीं चाहता था कि आलोक मुरिया कभी भी इन दोनों के काले कारनामों का राज खोल दे। आपको बता दूं, आलोक मुरिया अगर इन्होंने सच नहीं बताया होता, अगर इन्होंने आवाज नहीं उठाया होता, तो ये दोगला मनीष दुबे और दोगली ज्योति मुरिया ये दोनों गंदा काम करना बंद नहीं करता। आपको बता दूं दोस्तों, मनीष दुबे और ज्योति मुरिया इस वक्त बहुत बड़ा मुसीबत में फंसा हुआ है। आपको बता दूं, ज्योति मुरिया को एक नोटिस मिल चुका है, वहीं मनीष दुबे के ऊपर चरित्रहीनता के आरोप में जो एक्शन लिया गया, आपको बता दूं मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। तो मनीष दुबे को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और मनीष दुबे को सबसे अधिक तकलीफ इस बात का है कि इसके ऊपर आरोप लगा है कि ये चरित्रहीन है। आपको बता दूं, मनीष दुबे जिसने घिनौना काम करा, लेकिन ये कभी भी इस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ कि ये घिनौना आदमी है। ये कभी भी इस बात को कबूल ही नहीं किया कि इसने कभी भी ज्योति मुरिया के साथ कांड करा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, इसका साक्ष खुद आलोक मुरिया हैं। आपको बता दूं, 22 दिसंबर 2022 की बात है दोस्तों, 22 दिसंबर 2022 की बात है जब बताया जाता है आलोक मुरिया, जिन्होंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। आपको बता दूं, ज्योति मुरिया जिस वक्त एलनगंज में ड्यूटी कर रही थी, उस वक्त बताया जाता है ज्योति मुरिया वहाँ की सरकारी आवास का दुरुपयोग करती थी, सरकारी आवास के अंदर रंगरेलियां मनाती थी। आपको बता दूं, आलोक मुरिया ने जब इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, इन दोनों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गया और इधर आलोक मुरिया के पैरों तले भी जमीन खिसक गया। इन दोनों को टेंशन इस बात का हो गया कि आलोक मुरिया को पता कैसे चल गया, और दोस्तों जब आलोक मुरिया को पता चला तो आलोक मुरिया को भी टेंशन हो गया, तो इन दोनों को पकड़ाने का टेंशन हो गया और इसको पकड़ लेने का टेंशन हो गया। इसने जो इन दोनों को गंदा काम करते पकड़ लिया, तो आलोक मुरिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि किसी भी पति को बहुत ज़्यादा तकलीफ तो होगा ही। कौन पति चाहेगा कि उसकी पत्नी कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी करे, दूसरे जगह पर जाकर, दूसरे शहर में जाकर नौकरी करे, वहाँ पर नौकरी करने के बजाय वो हवस का पुजारी बन जाए, तो किसी भी पति को बुरा तो लग ही जाएगा। आपको बता दूँ, उस वक्त आलोक मुरिया ने ज्योति मुरिया और मनीष दुबे को बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन ये दोनों जो कि समझने को तैयार ही नहीं था, दोनों एक दूसरे के पैर में इतना ज़्यादा पगला गया कि ये दोनों जो कि कुछ भी करने को तैयार हो गया। तो आपको बता दूं दोस्तों, मनीष दुबे और ज्योति मुरिया को लेकर बेहद दुखद खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दूं, ज्योति मुरिया इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और मनीष दुबे भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ज्योति मुरिया परेशान इस बात से है क्योंकि ज्योति मुरिया के ऊपर आरोप लगा है कि वो भ्रष्टाचारण है, वो भ्रष्टाचार करती थी, घुसखोरी करती थी। और आपको बता दूं, ज्योति मुरिया इस आरोप के बाद से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। ज्योति मुरिया को नोटिस भी मिल चुका है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि ज्योति मुरिया क्यों अब इतना ज़्यादा परेशान है, क्यों इतना तकलीफ में है। आपको बता दूं, ज्योति मुरिया को जो नोटिस मिला है, उसमें ज्योति मुरिया से उसके बैंक का ब्यौरा देने को कहा गया है। बताया जा रहा है ज्योति मुरिया के पास बहुत ज़्यादा रुपया है, जितना रुपया ये वेतन से नहीं कमाती थी, उससे ज़्यादा रुपया ये घूस से कमा रही थी। और आपको बता दूं, ज्योति मुरिया को इसलिए भी डर बना हुआ है दोस्तों, क्योंकि ज्योति मुरिया को कमिश्नर मुख्यालय में बुलाया गया है। ज्योति मुरिया जब कमिश्नर मुख्यालय जाएगी, तो वहाँ पर उससे कई तरह का सवाल भी करा जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये बात है साल 2019 से लेकर 2021 तक की, जब ज्योति मुरिया, जो कि बताया जाता है कौसाम्बी में ड्यूटी करती थी, और बताया जाता है जिस वक्त ज्योति मुरिया कौसाम्बी में ड्यूटी करती थी, वहीं पर से ये घुसखोरी करना शुरू कर दी थी। बताया जाता है ज्योति मुरिया को उनके पति आलोक मुरिया ने भी कई दफ़ा समझाया कि ज्योति इस तरह का काला कमाई मत करो, एक ना एक दिन तुमको भुगतना पड़ेगा, लेकिन ज्योति मुरिया को उनके बातों से कोई परवाह ही नहीं पड़ता था। आपको बता दूँ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसका पति उसे बोल क्या रहा है।
आपको बता दूं ज्योति मौर्या जो कि घुसखोरी करने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्प हो गई, कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी। और बताया जाता है ज्योति मौर्या जो कि एक एक करके तमाम तरीके से घुसखोरी करना शुरू कर दी। और आपको बता दूं ज्योति मौर्या जो कि आखिरकार अपने ही बनाए जाल में फंस गई। आपको बता दूं ज्योति मौर्या के बारे में बताया जा रहा है, इस वक्त ज्योति मौर्या को सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का है कि उससे जो सवाल करा जाएगा उन सवालों का वो जवाब क्या देगी। आपको बता दूं ज्योति मौर्या को जब कमिश्नर हेडक्वार्टर में बुलाया जाएगा वहां पर उनसे कई तरह के खतरनाक सवाल पूछे जा सकते हैं। और सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिरकार कैसा सवाल पूछा जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है दोस्तों कि ज्योति मौर्या से सबसे पहले तो उनके बैंक का ब्यौरा मांगा जाएगा, यानी कि उनका बैंक ट्रांजैक्शन स्टेटस मांगा जाएगा और उनसे सवाल करा जाएगा कि आखिरकार अब तक आपने किन किन लोगों से घूस लिया है। उसके अलावा ज्योति मौर्या से सवाल ये भी करा जा सकता है कि वो अपने सरकारी आवास पर क्या सचमुच मनीष दुबे के साथ रंगरेलियां मना रही थी, मनीष दुबे के साथ कांड करती थी, मनीष दुबे से बार बार मिलती थी, क्या ज्योति मौर्या अपने सरकारी आवास का दुरुपयोग करती थी। तो इस तरह का सवाल भी करा जा सकता है। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि ज्योति मौर्या से ये भी पूछा जा सकता है कि वो रुपयों को कहाँ कहाँ निवेश की है, यानी कि अपना रुपया कहाँ कहाँ लगाई है। तो आपको बता दूं ज्योति मौर्या को इन्हीं सब बातों का डर बना हुआ है कि जब उन्हें कमिश्नर मुख्यालय में बुलाया जाएगा, उनसे सवाल करा जाएगा तो वो जवाब क्या देगी। और आपको बता दूं ज्योति मौर्या इधर तो अपने सवालों के कारण परेशान है, तो दूसरी तरफ ज्योति मौर्या का परेशानी इस बात से भी बना हुआ है क्योंकि मनीष दुबे भी बुरा फंसा हुआ है। मनीष दुबे जो कि सस्पेंड हो चुका है और मनीष दुबे के सस्पेंशन के कारण ज्योति मौर्या को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ज्योति मौर्या कभी नहीं चाहती थी कि मनीष दुबे सस्पेंड हो जाए। दोस्तों आपको बता दूं ज्योति मौर्या और मनीष दुबे ने प्यार तो केवल और केवल इसीलिए किया था ताकि ये लोग प्यार करें और प्यार करने के बाद ये लोग शादी करें, और शादी करने के बाद एक तरफ मनीष दुबे घुसखोरी करके कमाए, दूसरी तरफ ज्योति मौर्या घुसखोरी करके कमाए, और दोनों का जो घूस का रुपया होता ये दोनों आपस में मिलाकर उससे कोई बड़ा बड़ा काम करता। तो आपको बता दूं ये लोग कोठी बंगला बनवाने में लगा हुआ था, ये लोग शादी करने में लगा हुआ था, लेकिन आपको बता दूं बीच रास्ते में ही इन लोगों का भंडा फोड़ हो गया। आखिरकार आलोक मौर्या ने सच बता दिया और सच जब पब्लिक के बीच आया तो पब्लिक के अंदर एक अलग तरह का ही गुस्सा आ गया। आपको बता दूं आज के समय में से बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो कि ज्योति मौर्या के खिलाफ और भी कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ज्योति मौर्या का जो बीएड का सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी है। आपको बता दूं ज्योति मौर्या के कुछ करीबियों का कहना है कि ज्योति मौर्या के पास जो बीएड का सर्टिफिकेट है वो एक साल जो कि बाद में लिया गया था, लेकिन एक साल पहले ही ज्योति मौर्या उस चीज़ को जो सो एकदम कंप्लीट करवा दी। और आपको बता दूं ज्योति मौर्या पर आरोप है कि ये नौकरी भी अवैध तरीके से ही ली थी। अब सच्चाई जो भी हो दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का मांग है कि ज्योति मौर्या के बीएड के सर्टिफिकेट का भी चेकअप होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट फर्जी है या फिर असली है उस चीज़ का पता होना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए लोगों को। बाकी आपको बता दूं ज्योति मौर्या के अलावा अगर बात करा जाए मनीष दुबे का, तो मनीष दुबे बहुत ज़्यादा परेशान है। मनीष दुबे की परेशानी का वजह यह है दोस्तों कि मनीष दुबे पर आरोप है कि वो चरित्रहीन है, और चरित्रहीनता के आरोप के कारण मनीष दुबे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। मनीष दुबे कहीं भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है, और यदि अपने घर से बाहर निकलता भी है दोस्तों तो मनीष दुबे मुंह छिपा कर निकलता है। यहां तक आपको बता दूं मनीष दुबे जब भी घर से बाहर निकलता है तो मास्क लगा कर निकलता है। तो सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि मनीष दुबे जो कि कब तक मुंह छिपाता फिरेगा। आपको बता दूं बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब तक मनीष दुबे जो कि बचा हुआ क्यों है, आखिरकार वजह क्या है। आपको बता दूं मनीष दुबे के खिलाफ लोग और भी कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मनीष दुबे भी घुसखोर है, घुसखोर केवल ज्योति मौर्या ही नहीं बल्कि मनीष दुबे भी है, और मनीष दुबे के खिलाफ भी अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपको बता दूं बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मनीष दुबे को केवल सस्पेंड कर देने से काम नहीं चलेगा, जब तक मनीष दुबे जेल नहीं जाएगा तब तक आलोक मौर्या को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो लोगों का ये कहना है दोस्तों कि मनीष दुबे के खिलाफ भी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और मनीष दुबे घुसखोर है या फिर नहीं है इस बात का भी जानकारी जनता को मिलना चाहिए। बाकी आपको बता दूं दोस्तों बहुत सारे लोगों का योगी जी के ऊपर भी सवाल है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि योगी जी अब तक इस मामले में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं, अब तक मनीष दुबे के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब तक ज्योति मौर्या सस्पेंड क्यों नहीं हुई। आपको बता दूं दोस्तों मनीष दुबे के बारे में कहा जा रहा है वो इस वक्त जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वहीं आपको बता दूं गुलाबी गैंग की महिलाएं जो कि मनीष दुबे को तो ढूंढ रही है। आपको बता दूं गुलाबी गैंग की महिलाओं का कहना है कि ये मनीष दुबे जहां मिल जाएगा
वहीं पर इसका मुंह लाल कर देंगे। आपको बता दूं, गुलाबी गैंग की महिलाओं का कहना है कि हम लोगों को डंडा से पीटना पड़े या चप्पल से पीटना पड़े, लेकिन हम लोग पीटेंगे तो जरूर। तो आपको बता दूं, गुलाबी गैंग की महिलाएं भी अब मनीष दुबे के पीछे पड़ चुकी है और ज्योति मौर्या को भी वो लोग ढूंढ रही है। आपको बता दूं, गुलाबी गैंग की महिलाएं, एक बार की बात है दोस्तों, जब वो लोग ज्योति मौर्या से मिलने भी पहुंची थी, लेकिन बताया जाता है ज्योति मौर्या जो कि दुम दबाकर वहां से फरार हो गई, वहीं मनीष दुबे भी फरार हो गया था। तो आपको बता दूं, अगर ये दोनों मिल जाता गुलाबी गैंग की महिलाओं को, तो वहीं पर गुलाबी गैंग की महिलाएं इन लोगों का मुंह लाल कर देती। लेकिन आपको बता दूं, गुलाबी गैंग की महिलाओं का भी कहना है कि जिस तरह से इन लोगों ने समाज में गलत संदेश पहुंचाने का काम किया है, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इन लोगों को तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देंगे, क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, आलोक मौर्या को इन लोगों ने जितना रुलाया, उतना शायद मुझे लगता है कि आलोक मौर्या कभी रोए ही नहीं होंगे। आप सोच सकते हो दोस्तों, आलोक मौर्या का परेशानी भी किस तरह से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं, आलोक मौर्या की दो बेटियां हैं और इस वक्त आलोक मौर्या सबसे ज्यादा परेशान अपनी दोनों बेटियों को लेकर रहते हैं। आलोक मौर्या का ये कहना है कि वो कभी भी अपनी बेटियों से दूर रहे ही नहीं हैं, तो वो कैसे रह पाएंगे इतना दिनों तक अपने बेटियों से दूर। तो आलोक मौर्या का ये कहना है कि अगर मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा, अगर मुझे अपनी दोनों बेटियों को पाने के लिए मेरे पत्नी के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाने को तैयार हूँ। बाकी सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिरकार ज्योति मौर्या और मनीष दुबे का अब क्या होगा। तो ज्योति मौर्या से वही कमिश्नर मुख्यालय में सवाल करा जाएगा। उसके अलावा मनीष दुबे के बारे में अगर कहा जाए, तो अब मनीष दुबे से भी कई तरह का सवाल करा जा सकता है, क्योंकि आपको बता दूं, एक तरफ भले ही ज्योति मौर्या फंसी हुई है, तो दूसरे तरफ ये नहीं है कि मनीष दुबे जो कि बचा हुआ है, मनीष दुबे का भी हवा टाइट होने वाला है। ज्योति मौर्या का हालत खराब उनके पति की वजह से होगा, वहीं मनीष दुबे का हालत खराब उनकी पत्नी की वजह से होगा। आपको बता दूं, मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर का भी आरोप है कि उनका पति जो कि झूठा है, मक्कार है, गलत है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर का कहना है कि उनका पति मनीष दुबे जो कि उससे 80 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था। तो आपको बता दूं, मनीष दुबे और उसकी पत्नी का भी विवाद का मामला जो कि अदालत में चल रहा है, और बताया जा रहा है दोस्तों बहुत जल्द उस मामले का भी सुनवाई होगा। तो मनीष दुबे को कोर्ट में जाना पड़ सकता है। अगर मनीष दुबे का पेशी होगा, तो पेशी के दौरान मनीष दुबे से कई तरह का सवाल भी करा जाएगा, और वहीं पर मनीष दुबे भी फंस जाएगा। तो मनीष दुबे भी झूठा है, ज्योति मौर्या भी झूठी है, और दोनों के झूठ का खुलासा जब होगा, तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही होगी। बाकी आपको बता दूं, ज्योति मौर्या और मनीष दुबे जो कि अब बुरा फंसने ही वाला है, और ये कहीं न कहीं आलोक मौर्या के सपोर्टर्स के लिए गुड न्यूज़ है, बाकी ज्योति मौर्या और मनीष दुबे के लिए ये बैड न्यूज़ है। ये लोग फिलहाल तो बहुत ज़्यादा चिंतित है, और एक तरह से आप कह सकते हो दोस्तों कि ये लोग अभी सदमे में है। आपको बता दूं, ज्योति मौर्या और मनीष दुबे जो कि अपने आप को बचाने के लिए कई तरह का कोशिश भी कर रहा है, इन लोगों ने कई तरह का पैतरा आजमाया दोस्तों, लेकिन इन लोगों का एक भी पैतरा काम नहीं आया। आपको बता दूं, ज्योति मौर्या अपने आप को बचाने के लिए अपने पति आलोक मौर्या को मरवाने तक का साजिश रच दी, और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अपने पति के खिलाफ कई तरह का संगीन आरोप भी लगाई, लेकिन ज्योति मौर्या फिर भी आलोक मौर्या का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसके अलावा मनीष दुबे, उसने खुद आलोक मौर्या के ऊपर ही आरोप लगा दिया। आप सोच सकते हो, एक तो दोस्तों इसने गलती किया, और ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वाला आप लोगों ने मुहावरा सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि आलोक मौर्या के ऊपर ही ये आरोप लगा रहा था, ये आलोक मौर्या के बारे में ही बुरा भला बोल रहा था। एक तो गलती इसने किया, लेकिन ये बुरा भला किसको बोलता था? आलोक मौर्या को। आपको बता दूं, मनीष दुबे से जब पूछा गया कि आखिरकार आपका ज्योति मौर्या के साथ क्या संबंध है, तो आपको बता दूं, मनीष दुबे ने कहा कि ये सब बात प्राइवेट है, इन सब तरह की चर्चाएं यहाँ पर नहीं की जा सकती है, कैमरा के सामने ये सब बात हम करेंगे ही नहीं। तो आपको बता दूं, मनीष दुबे वहाँ पर आलोक मौर्या को नीचा दिखा रहा था, और भी बहुत कुछ बोला था, जिसको जानकर आप लोगों को भी गुस्सा आ जाएगा। तो मनीष दुबे को अपने किए का जरा सा भी एहसास नहीं है, इसको जरा सा भी उस बात का रियलाइजेशन नहीं है। तो क्या ही बताना दोस्तों आपको, क्या ही बोलूँ, जो लोग गलत काम करता है और उसके बाद जब वो स्वीकार नहीं करता है, उससे ज़्यादा दुष्ट और होता ही कौन है दुनिया में। बाकी आपको बता दूं, मनीष दुबे का हालत अब खराब होगा उसकी पत्नी की वजह से, और ज्योति मौर्या का हालत खराब होगा आलोक मौर्या की वजह से। बाकी फैसला तो अदालत ही सुनाएगी, तो देखते हैं कब तक फैसला आता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों से किस तरह का सवाल करा जा सकता है, हाँ ये नहीं बताया कि मनीष दुबे से किस तरह का सवाल करा जा सकता है। तो मनीष दुबे से सवाल ये पूछा जा सकता है कि क्या सचमुच ये अपनी पत्नी तनु पराशर से 80 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था,
क्या सचमुच ये अपनी पत्नी से कहता था कि 80 लाख रुपया दहेज में दो तभी हम तुमको रखेंगे? तो ये सारा का सारा सवाल जो कि करा जा सकता है, इससे पूछा जा सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हर दिन की तरह हमारा काम है आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। अगर ये खबर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बाकी जितना ज़्यादा मैं खुलकर बोलता हूँ इतना खुलकर तो कोई आपके सामने बोलता भी नहीं होगा, तो इसके लिए भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी हमारा एक नया फेसबुक पेज है दोस्तों, हमारा पुराना वाला फेसबुक पेज जो कि बर्बाद हो गया, तो आप लोग जाकर के फेसबुक पर सर्च कीजिए सरकार मोटिवेशन 2.0। मुझे लगता है आप लोग यदि लिखोगे सरकार मोटिवेशन 2 भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा। तो जाकर सर्च करो सरकार मोटिवेशन 2.0, उसको जाकर आप लोग प्लीज़ फॉलो कर देना। बाकी आप लोग सरकार मोटिवेशन जाकर इंस्टाग्राम पर सर्च करो और सरकार मोटिवेशन इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कर देना। इस तरह के और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, कभी भी गलत काम नहीं करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। मिलता हूँ अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।